हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं रैक लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो 1RTF का ये चार्ट है और आप देखोगे स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम पे था। ऑलमोस्ट ये वो लेवल है जहां से स्टॉक ने बुलिश मोमेंटम पकड़ा। इसी ट्रेंड लाइन से 18 सितंबर से स्टॉक सही चल रहा था। यहाँ पे जो फॉल आया था आपको वो पता ही, इन्फ्लेशन डेटा आना था, FOMC की मीटिंग थी, इस वजह से थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होने वाली थी और वो दिक्कत निकलने के बाद स्टॉक सही निकला। आज की बात करें तो स्टॉक में एग्जैक्ट इस लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया स्टॉक कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये हाई था जो रिसेंटली 11 सितंबर को बनाया था स्टॉक ने, उसके बाद जो हाई है वो स्टॉक का ऑल टाइम हाई आज का था। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो स्टॉक को दिक्कत हुई इस हर्डल को ब्रेक करने में, और यहीं से स्टॉक में एग्जैक्ट फॉल आते हुए देखने को मिला है। डे एंड तक काफ़ी सेलिंग प्रेशर बढ़ गया था, बट ठीक है स्टॉक अच्छा चला और फिर प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी हुई है। अगर कल कहीं फॉल होता है स्टॉक तो एक तो ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, ये बायर्स रहने वाले हैं कहीं ना कहीं। जस्ट इन केस इसके नीचे अगर चला जाता है और ये सेलर्स का एरिया बन जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ भी देखने को मिलेगा। ये 15 मिनट्स के TF पे अराउंड होगा। मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कल एक इंट्राडे के हिसाब से, और यहाँ पे अगर ज़्यादा फॉल होता है तो फिर आपके ये लेवल रहने वाले हैं 3 से 4। इसके नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए जिस हिसाब से स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम पे है और सही चल रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो ज़्यादा ही आएगा कि नीचे जाएगा, बिकॉज EMA क्रॉस पे जा रहा है तो यहाँ तक कहीं फॉल कर सकता है। अगर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो EMA क्रॉस पे सपोर्ट लेके फिर एक बुलिश मोमेंटम दिखाएगा और अपना हाई वो जो आज का है 285 का वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ब्रेक करते ही आप देखोगे कि स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो फिर 290 के आसपास रहेगा। 290 के बाद स्टॉक का जो टारगेट होगा, जो मेजर हर्डल होगी, फिर वो यहाँ मिलेगी 299 एंड 300, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो आपको ऊपर के दो लेवल्स मैंने बता दिए हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑलरेडी इस लेवल का बहुत बड़ा हर्डल है जो क्लियर करना होगा स्टॉक को, जो कि आज स्टॉक फेल होते हुए दिखाए क्लियर करने में। तो ये लेवल अगर क्लियर हो जाता है तो फिर 290 के टारगेट रहेंगे, और 290 के टारगेट के बाद फिर स्टॉक जो है ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा 298, जो कि मेजर हर्डल रहेगा, बिकॉज 300 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। नीचे फॉल करता है तो दो लेवल ऑलरेडी नीचे हैं, मैंने बता दिए कि यहाँ तक आके स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, सडन फॉल नहीं देखने को मिलेगा। सडन फॉल का मतलब तो फिर वही रहेगा कि थोड़े कंडीशंस बिगड़ते हुए दिखेंगे, बट जिस हिसाब से स्टॉक बुलिश मोमेंटम पे आप देखोगे हायर हाई लग रहे हैं, रेडनेस कितनी कम है, दो कैंडल रेड हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ से निकला। यहाँ भी आप नोटिस करोगे इस लेवल के अराउंड 262 के पास यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ पे फिर इसके बाद बायर्स एक्टिव हुए और अच्छा निकला। तो ऐसे ही चलता गया स्टॉक। अभी भी आज देखोगे इतना मोमेंटम जो स्टॉक ने आज दिखाया 27th इस लेवल से, 267 से यहाँ गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई और डे एंड पे भी ये प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही क्लोज हुआ है। तो कल का एक मोमेंटम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सही निकलना चाहिए उस हिसाब से स्टॉक को। तो होपफुली मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं आपको, दोनों ही लेवल्स मैंने बता दिए हैं रेकमेंडेड क्या मोमेंटम क्या रहने वाला है कल का। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।